निराला टीम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सडौरा के वार्ड नंबर 13 मोहल्ला प्रेम नगर आंगनवाड़ी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर प्ले स्कूल में एक रेडीनेस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें CDPO मैडम जसविंदर कौर ने आज इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया और उसके साथ साथ नगर पालिका चेयरपर्सन शालिनी शर्मा ने भी रिबन काट कर इस कार्यक्रम का आयोजन शुभारम्भ किया। तो ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, और क्या विशेषताएं हैं इस प्ले स्कूल की वो बताएंगी मैडम जसविंदर कौर जो CDPO हैं। तो चलिए सुनते हैं और क्या क्या बच्चों ने यहाँ पर कलाकृतियाँ बना रखी हैं वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, सडौरा के अंदर कुल 4 आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करके ये प्ले स्कूल बनाए गए हैं, जिनमें बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया जाएगा। जैसे अक्सर स्कूलों में भेजा जाता है बच्चों को नर्सरी प्री नर्सरी इस तरह की जो एजुकेशन दी जाती है, वो सब अब बच्चों को उस समय में ही मिल जाएगी जिस समय में बच्चे अक्सर आंगनवाड़ी में जाते हैं। और फिर यहाँ से निकल कर ये बच्चे सीधा पहली कक्षा में दाखिला स्कूल में ले सकते हैं। तो चलिए क्या कुछ कहना है मैडम का वो सुनाते हैं आपको। चेयरपर्सन मैडम शालिनी शर्मा जी, आपका यहाँ हमारे पहुँचने पर स्वागत है। ये जो हम आज ये जो हमने एक क्योंकि हमारे अब हमारे यहाँ 4000 प्ले स्कूल चल रहे हैं, वही आंगनबाड़ियों में से ही उन्होंने प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया इनके, तो उनमें से हमारा जो सडौरा ये दो ये वाला सेंटर ये प्ले स्कूल कम आंगनबाड़ी सेंटर है। तो इसमें हमने जो आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे हमने ये बच्चों को स्कूल रेडीनेस मेला लगा रहे हैं आज, इसमें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं, यहाँ कि बच्चों को हम खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को जो उनका 80% जो डेवलपमेंट होती है दिमाग के विकास होता है जो उनका वो इस एज में होता है। लेकिन अगर हम बच्चों को स्कूल में भेजिए, जैसे हमने इसको बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना, उनको खेल खेल में हमने बच्चों को उनके हर विकास के लिए हमें छोटी छोटी प्ले स्कूल की क्रियाएँ करवानी है, ताकि बच्चों का विकास भी अच्छा और वो खेल खेल में सब कुछ सीखे और बच्चों को इस प्रेशर ना पड़े। तो आज उसी के इसमें हमने ये मेला लगाया, हमें आपको ये चीज़ हमने प्रदर्शन लगाई है जो हमारे प्ले स्कूल का जो किट मटेरियल है जिसके हिसाब से बच्चों को तैयारी करवाते हैं, तो मैं आपको आज को थोड़ा दिखाती हूँ। और जैसे ये हमारे बच्चों की हमने बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों की जो ये छोटी मांसपेशी होती है उनके विकास में हम उनसे ये खिलौने बनवाते हैं, ताकि बच्चों ने बनाए हम साल लगते हैं मतलब मैडमें लगती है साथ में और बच्चों को सिखाते हैं। हाँ जी ठीक है। जैसे ये भी हमें ये बच्चों को सिखाने के लिए जो हमारे जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या काम करते हैं, डॉक्टर किस चीज़ से ये सुई है टीका लगाते हैं, ये सब ये सिखाने के लिए ठीक है जी। और डॉक्टर का जो और उसके बाद जैसे ये हमारे डॉक्टर हमारे किचन का सामान होता है डिब्बा तैयार किया था जो रैक में रखा है बनाते हैं कप में या पतीला कौन सा होता है और गैस में जैसे बनाते हैं उससे मतलब बच्चों को हमें हर चीज की नॉलेज देनी है खेल खेल में जो हमारे घर में यूज होते हैं, जैसे सॉफ्ट टॉय हैं इनसे बच्चों को करवाना है। और ये इधर जैसे हमारे ब्लॉक्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये हमारे बच्चों को हमने सिखाने से कि कैसे बच्चे इनको जोड़ेंगे देखेंगे इनको कलर की शेप देंगे। अब जैसे ये मैच है हमारे जैसे बच्चों को हमने मैच बनाना सिखाना है, तो बच्चों ये हमारी कुर्सी के क्या साथ होता है कि मेज होता है, तो ये टेबल और ये कुर्सी और मेज हो गया हमारा। ताले के साथ ये होता है चाबी होती है, जैसे ये ताला बनाया हमने बच्चों को हमें सिखाना है साथ ही बनाना भी है। अब हम बच्चों को कहेंगे कि चलो हमने जैसे बच्चों ये है अब इसके साथ ये फोटो उठा के लाओ, तो बच्चे इसके साथ ये मैच करेंगे तो बच्चों को मैचिंग का ध्यान होगा ठीक है जी। ऐसे अब ये जो हमारे जैसे जो बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाते हैं उसका दिमाग का पजल उसको जोड़ना कैसे आएगा पिक्चर्स को काटने का बच्चों का, तो हम उनको ये पिक्चर दे देंगे उनसे जुड़वाएंगे, थोड़ा उनको प्रॉब्लम है कि लेकिन आसन को सीख जाएंगे, तो हम जैसे ये जोड़ेंगे ये देखिए हमारे पिक्चर बन गई। ऐसे हमने गिनती सिखानी उनको। और ये जो हमारी जैसे ये है तो जैसे बच्चे हम धागा देंगे उसे पिरोना सीखेंगे, तो उनके ख्याल एक तो हाथ और साथ में आँख का कि हमने इसको पिरोना है तो हमारी आँख और हाथ का कोऑर्डिनेशन होगा उनका कि हमने इसको माला बनानी है छोटी मांसपेशियों में। फिर हम इसके बाद आउटडोर तो हम करवाते हैं, तो हमने ये इसी लोगों को सिखाने की जो लोगों को ये है कि पता नहीं हमारा बच्चा स्कूल में जाकर सीखेगा, जबकि स्कूल में भी बच्चे ने 5 साल तक कुछ नहीं वो सीखा, इसमें ये बच्चे हमारे प्ले स्कूल में ज़्यादा सीखेगा वो बच्चा, क्योंकि वो देखेगा और बच्चों के साथ उसको शेयरिंग का पता चलेगा, उसको बच्चों के साथ साथी बनाना सीखेंगे वो। और जब वो बच्चा फर्स्ट में जाएगा, अगर जब बच्चा 5 साल 5.5 के बाद यहाँ से जाएगा तो
तो उसको जो उन्होंने दो साल वाले को बच्चे यहाँ से सब कुछ सीखे जाएगा और बच्चा सीधा फर्स्ट में जाएगा। तो इसी को मध्य में रखते हो नहीं, ये सब याद ये 5 साल तक सर्वांगीण विकास करना, चहुमुखी विकास का बच्चे का ना सारे विकास, हमने 80% दिमाग काम करने लग जाता है 5 साल तक बच्चे का। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हमें आज हमको ये हमने बताया, हमारे यही आपसे हमारे ये उद्देश्य कि आप लोगों को मोटिवेट करें, जैसे आपकी जो औरतों को ये चाहती है कि छोटे पे दो दो ढाई ढाई साल के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना शुरू कर दिया, तो आप इतनी में तो बच्चा वैसे भी नहीं सीखे, जितना बच्चा 5 साल में वो स्कूल है तो उसको सब कुछ, उसको पेंसिल पकड़नी आ जाएगी, उसको सारी चीज़ों का ज्ञान होगा और बच्चा वहाँ बिल्कुल फ्री माइंड हो के बड़े अच्छे से वहाँ सीख सकेगा। आपको पता ही हम फिर उसके बाद पका हुआ राशन देते हैं बच्चों, जो बच्चे यहाँ वो तो यहीं खिला के भेजते हैं, मदर्स को वो घर लेके जा सकती है, बच्चे हमारे यहीं बैठ के छोटे बच्चे के लिए 6 महीने से 1.5 साल बच्चों के लिए प्ले स्कूल है। अब आपका 1 अप्रैल से ये स्कूल ओपन हो रहा है, इसके अंदर मैडम ने बहुत अच्छी चीज़ें मुझे दिखाई हैं जो इन्होंने बनाया हुआ है, जिससे कि बच्चों का चहुंमुखी विकास होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि आपको पता है कि अभी 1 अप्रैल से हमारे बच्चों के जो है एडमिशन शुरू हो रहे हैं, साथ ही हम अपने आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया है और उसी के तहत हमारे सधौरा में भी 4 प्ले स्कूल जो हैं बने हुए हैं। मैं आपके द्वारा लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने बच्चों को जो है प्ले स्कूल में एडमिशन कराएं, प्राइवेट सेक्टर में ना जाएं, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं, जिससे कि उनका चहुंमुखी विकास होगा, भाषा का, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक सभी रूप का ज्ञान जो है आपको इस प्ले स्कूल में दिया जाएगा। जैसे कि अभी प्रदर्शनी के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा है कि कैसे टीचर्स बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, जो आंगनबाड़ी जो हमारी टीचर्स लगे हुए हैं कितने वो अपने आप कितने कार्यशील हैं, जो अपने कार्य को बहुत अच्छे से निभाते हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे भी हैं, बच्चों से अभी हम पूछेंगे कि क्या उन्हें क्या क्या खाने को मिलता है या क्या वो अपना ज्ञान वृद्धि हो रही है उनकी। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी सभी से कि अपने बच्चों को तो ज़्यादा से ज़्यादा प्ले स्कूल में एडमिशन कराएँ। धन्यवाद। स्कूल में कौन कौन बच्चा हर रोज स्कूल आता है? कौन हैंड्स अप करो, अपने अपने हाथ खड़े करो, जल्दी से खड़े करो। अच्छा, नाम कौन बताएगा, किस किस को अपना नाम पता है? जल्दी बताओ अपना नाम, आप बताओ आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? पोयम किस किस